इसको घुमाइए करिए जय हिंद आप सभी बच्चों को टैबुलेशन की आज आपकी पांचवी क्लास है और काफी सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं आज दोपहर में भी आपकी क्लास चली थी चार से पांच रात की बारह बजे वाली क्लास भी लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज आपसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम बताने के लिए आंसर देने के लिए तत्पर रहिएगा आप लोग लापरवाही कोई नहीं बरतेगा और हम लोग चलिए क्वेश्चन सीधे स्टार्ट करते हैं आपके सामने आएगा इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा एक बार समझाने लायक होगा सवाल तो समझा दूंगा लेकिन आंसर देना है आपको ये आपकी जिम्मेदारी होगी और जितना ज्यादा आप तेजी से खुद खुद से सॉल्व करेंगे उतना फायदा आपको पहुंचेगा चलिए देखिए पंद्रह क्वेश्चन में करवा चुका हूं पंद्रह क्वेश्चन का मतलब उसमें साठ पैंसठ क्वेश्चन हो चुके हैं क्योंकि तो एक क्वेश्चन में चार या पांच क्वेश्चन है तो साठ पैंसठ क्वेश्चन हो चुके हैं आपके आज देखिए सोलह नंबर के टेबल के साथ हम लोग क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा आइए निर्देश है प्रश्न एक से चार तक के लिए निम्न तालिका में पांच वर्षों में होगा पांच वर्षों में पांच वर्षों से विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा पांच वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले और उत्तीर्ण यानी कि योग घोषित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या प्रदर्शित की गई है आ गई बात समझ में ये पांच वर्ष है संतानवे अंठानवे निन्यानवे दो हजार और सन 2001 ये पांच वर्ष हो गया और अलग अलग राज्य हैं ध्यान से देखिएगा एम एन पी क्यू तो यहां देखिए क्या क्या दर्शाया गया है आपके राज्य एम में परीक्षार्थी कितने हैं और उत्तीर्ण कितने हुए स्टेबल में दर्शाया गया है उन्नीस का भी अंठानवे का निन्यानवे का सन 2000 का और 2001 का यह आंकड़ा दिया हुआ है जैसे एक राज्य है आपका एम चार राज्य दिए गए हैं एम एन पी क्यू तो एम राज्य में कुल परीक्षार्थी कितने हैं ध्यान से देखिएगा कुल परीक्षार्थी कितने हैं 5200 इसमें उत्तीर्ण कितने हुए हैं 720 यह 1997 का आंकड़ा है इसी राज्य एम की बात करें तो 1998 में परीक्षार्थी हैं 8500 उत्तीर्ण कितने हुए हैं 980 इसी राज्य एम में बात करें तो 1999 में 7400 परीक्षार्थी हैं राज्य एम में 7400 परीक्षार्थी हैं उत्तीर्ण कितने हुए हैं 850 आजकल तो बच्चे 700 7400 अगर परीक्षार्थी है तो पता चला सात हजार तीन सौ पास हो गए ऐसा सिस्टम आजकल का ये पुराने जमाने का आंकड़ा सामने है आपके बहुत कम लोग पास हो पाते थे सन का आंकड़ा परीक्षार्थी और उत्तीर्ण परीक्षार्थी का दो हजार एक का भी सामने है इसी तरह से अन्य राज्य भी है एन पी क्यू भी है एम एन पी क्यू ये आपके चार राज्य हैं अलग अलग वर्षों में कितने परीक्षार्थी उस राज्य से आए हैं और उसमें कितने उत्तीर्ण हुए हैं इसका डेटा सामने आपके टेबल में दिया गया है हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से आइए अब हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं वर्ष उन्नीस में सभी राज्यों में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी हर एक बच्चा देखेगा संतानवे में सभी राज्यों से शामिल होने वाले प्रत्याशियों की संख्या सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है यही चार राज्य हैं संतानवे में परीक्षार्थी एम में बावन सौ एन में पचहत्तर सौ पी में आपका चौसठ सौ और क्यू में कितना है इक्यासी सो तो अगर ये टोटल आप यहां ऐड कर दें कलर चेंज कर लेते हैं ध्यान दीजिएगा अगर आप टोटल इसी को ऐड कर लें इसी चीज को इसी को तो ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे यार आ सत्ताइस हजार दो सौ ये टोटल इतने परीक्षार्थी हो जाएंगे यही आपके प्रश्न का उत्तर है देखें कितने बच्चों ने आंसर दिया था इस प्रश्न का हम देखना चाहते हैं बी दिया है बच्चों ने सत्ताईस हजार दो सौ वेरी गुड डायरेक्ट ऐड कर दिया बच्चों ने सत्ताईस हजार दो सौ आया है आंसर आचल ठाकुर द्वारा प्रियंका राजपूत मोटिवेशन निखिल यादव चली नहीं निखिल ने आंसर नहीं करा था सिंह विवेक आसिफ खान 27,200 हजार दो सौ वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत अच्छे सर बैक टू बैक क्लासेस कर रहे हैं सल्यूट फॉर मेकिंग सो मच एफर्ट शुभम गुप्ता प्रैक्टिस कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा उतना फायदा रहेगा राम हित राजपूत बी दिया है अभिषेक ने बी दिया है और नवीन शर्मा ने दे दिया आंसर सत्यम तिवारी रामाश्रय निखिल रवि प्रताप अमित वेरी गुड देखिए ये सब सवाल सी एच एस एल दो हजार उन्नीस में बीस में पूछे हुए सवाल है एस एस सी का पूछा हुआ सवाल है ऐसे सवाल आपके पीटी में आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीटी में आएंगे जो तो सामने रखे गए हैं एक आपने आपने देखा दोपहर में एक क्वेश्चन कराया था काफी समय लगा था उस क्वेश्चन को कराने में तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे आइए पहले के बाद हम आते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे आंसर आप ही दें तो मजा आ जाए मुझे उन्नीस में ध्यान दीजिएगा सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है तो उन्नीस की बात कर रहा है उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या की बात कर रहा है फिर सन 2001 की बात किया है और इसके उत्तीर्ण प्रत्याशियों की बात किया है तो पूछा गया है आपसे उन्नीस के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या 2001 के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है तो क्या करना पड़ेगा उन्नीस में कितने उत्तीर्ण हुए पूरा काउंट करना पड़ेगा फिर आपका सन 2001 में कितने उत्तीर्ण हुए ये पूरा काउंट करना पड़ेगा फिर इसका आपको प्रतिशत लेना पड़ेगा किससे तुलना करके 2001 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से तुलना करके तो अगर आप उन्नीस के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेरे बच्चों अगर ऐड करें ध्यान से देखिएगा अगर ऐड करें तो क्या आएगा हर एक बच्चा देखेगा ऐड करेंगे तो कितना आ गया बयालीस नब्बे आ गया, हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से और यहां कुल उत्तीर्ण अगर किया जाएगा तो कितना आएगा? तैतालीस नब्बे आ रहा है। हर एक बच्चा तो आपसे यही पूछा गया ये नब्बे का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है बयालीस नब्बे तैतालीस नब्बे का कितना प्रतिशत है तो लिखेंगे यहां पर बयालीस नब्बे में तैतालीस नब्बे और गुड़े सौ so, कितना आ रहा है संतानवे दशमलव सात दो प्रतिशत है हर एक बच्चा देखिएगा संतानवे दशमलव सात दो प्रतिशत है समझिएगा हर एक बच्चा देखिए कोई डाउट तो नहीं क्लियर है देखिए ऐसे सवालों का अगर आप अंदाजे से आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं देखिएगा विदाउट टोटल कैलकुलेशन अगर मैं देखूं कमी की बात की जाए तो केवल कितना कम है सौ ही कम है ना कितना कम है सौ कम है और यहां एक परसेंट की जो वैल्यू है ध्यान से देखिएगा एक परसेंट की वैल्यू फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन जीरो आएगी टोटल कैलकुलेशन बोल रहा हूं एक परसेंट की वैल्यू अगर मैं तिरालीस तैतालीस नब्बे का एक परसेंट लू तो तैतालीस दशमलव नौ जीरो आएगा अगर मैं दो परसेंट लू तो मान लिया लगभग अट्ठासी क्या आएगा लगभग अट्ठासी क्या आएगा कि नहीं और ये कितना कम है इससे सौ कम है आंसर जो है बच्चों निश्चित रूप से आपका अंठानवे के करीब है किसके करीब है अंठानवे परसेंट के करीब है अंठानवे से कम होगा लेकिन करीब उसी के है तो अंठानवे के करीब वाला आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों ये तो डायरेक्ट यही क्या होगा आंसर होगा ऐसे आप विदाउट यूजिंग पेन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ओरल नहीं तो पूरा कैलकुलेशन करने जाएंगे तो कुछ सेकेंड आपके लगेंगे लगने दीजिए पीटी का एग्जाम है अगर आप कैलकुलेट करके भी आंसर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है समय आपका पर्याप्त आपके पास होगा लेकिन अगर यही एस वगैरह यूपीएसआई वगैरह की बात रहे तब तो तुरंत देना है ना कैलकुलेशन नहीं करना तो आपको यही तो पता करना है ये इसका कितना प्रतिशत है। तो अगर मैं इसका निकालू एक परसेंट ध्यान से देखिएगा सौ कम है ये इससे सौ कम है एक परसेंट निकालू इसका तो तिरालीस तैतालीस दशमलव नौ जीरो पॉइंट नाइन जीरो है अगर दो परसेंट की बात कर दूं तो वो आपका एटी एट के करीब आ जाएगा और ये हंड्रेड कम है हंड्रेड कम है यानी कि जो आंसर होगा बच्चों निश्चित रूप से दो परसेंट कम करेंगे तो अंठानवे करीब होगा ज्यादा नहीं होगा उससे कम होगा आया समझ में उससे कम होगा यानी कि संतानवे अंठानवे के बीच में होगा तो संतानवे अंठानवे के बीच में आंसर कौन सा है यही वाला है तो नाइनटी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर विदाउट यूजिंग पेन विदाउट यूजिंग पेन देखिएगा

कोचिंग में एक्सपर्ट बनते ये स्टूडेंट ही होते हैं और ये बहुत सम्मान के पात्र होते हैं कि अपनी पढ़ाई के लिए घर पे बोझ नहीं डालते चलिए इसलिए हम भी ज्यादा नहीं चिल्लाते लेकिन टाइपिंग की वजह से चीजें रुक जाती हैं सी होना चाहिए कौन कह रहा है सी कैसे होना चाहिए भाई सी तो बहुत कम हो जाएगा मेरे बच्चे सी तो बहुत कम हो जाएगा यहीं से देखिए सी क्यों नहीं होगा ध्यान से देखिए अगर मैं इसका बात करूं एक परसेंट का तो फोर्टी थ्री पॉइंट नाइन जीरो होगा दो परसेंट एटी एट होगा होगा ये सौ कम है इससे यानी कि तीन परसेंट से भी कम है तीन परसेंट से भी इसकी वैल्यू जो होगी कम होगी हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट में तीन परसेंट आप क्या करेंगे उससे थोड़ी वैल्यू और कम घटा देंगे तो आपका ये परसेंटेज वाला फिगर आ जाएगा तो यही आएगा हम कैलकुलेशन भी नहीं करने गए फिर भी हमारा आंसर यही सही है डंके की चोट पे आप लगा के देख लीजिए जिसने भी बोला कि ये आंसर सही है लगा के देख ले डंके की चोट पे ओवरल आंसर दे सकते हैं इसका कि 97.72 ये सही आंसर। एग्जाम का पूछा हो जाएंगे अगर तैतालीस तो नब्बे होता अगर ये तैतालीस नब्बे होता तो पूरा ये हंड्रेड परसेंट होता है इसका लेकिन ये बयालीस नब्बे सौ कम है तो इसी से कंपेयर करना है तो इसका एक परसेंट कितना है तैतालीस दशमलव नौ जीरो तो दो परसेंट अट्ठासी के करीब आएगा ये इससे सौ कम है यानी कि अट्ठासी का मतलब बच्चे सौ का मतलब क्या हो गया ध्यान से देखिए तीन परसेंट से थोड़ा कम इसका सौ का मतलब क्या तीन परसेंट से थोड़ा कम तो तीन परसेंट से थोड़ा कम अगर हंड्रेड से घटाएंगे तो नाइनटी सेवन पॉइंट समथिंग ही तो आएगा तो ये आपका आंसर होगा सही है हा पेट का टेस्ट ऑफलाइन कोई भी स्टूडेंट दे सकता है प्रॉपर शीट मिलेगी उसको शीट मिलेगी और सोल्यूशन दिया जाएगा पूरा सॉल्व करवाया जाएगा पेट का मैथ्स का फ्री बैच भी चल रहा है परसों से परसों से ठीक है चलिए आइए 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 आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हर एक बच्चा देखे, इसका भी आंसर बेटा आपको ही देना है देखिए एम और पी राज्यों में वर्ष उन्नीस में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या में कितना अंतर है ध्यान से देखिएगा एम और पी की बात कर रहा है ये एम है और ये पी है तो कौन सा वर्ष लेना है उन्नीस सौ अंठानवे उन्नीस सौ अंठानवे लेना है तो इसमें उत्तर नौ सौ अस्सी है ध्यान से देखिएगा और पी में उत्तर कितना है दस सौ बीस है तो ये अंतर देखिएगा ये सब पेपर के 1920 के पूछे हुए सवाल है तो दस सौ बीस में से आप नौ सौ अस्सी घटाएंगे मेरे बच्चों कितना आएगा बताइएगा चालीस आएगा तो फोर्टी इज योर राइट आंसर देखिए कितने बच्चों ने आंसर दिया सी दे रहे हैं बच्चे पचास दे रहे हैं आंसर बी दिया गया है चालीस देखिए किसने दिया है बी शुभम गुप्ता ने बी बोला है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अभिषेक सिंह आंसर करें फोर्टी अनुराग शैलेश विवेक शुभम फिर अब उसके बाद अभी मोटिवेशन आचल अनुराग विपिन अंकित सलेश, नमीन बहुत बढ़िया लगे रहिए बहुत तेजी से आंसर दीजिए हर्षित आसिफ प्रशांत संजना सौरभ धर्म यादव इंद्रजीत रवि प्रताप बहुत बढ़िया आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं चौथा सवाल है आपका दिए गए वर्षों के दौरान राज क्यू से भाग लेने वाले प्रत्याशियों की औसत संख्या क्या है हर एक बच्चा ध्यान देगा सभी वर्ष में दिखाना है सन्तानवे भी लेना है अंठानवे भी लेना है निन्यानवे भी 2000 और 2001 ये पांचों वर्ष में आप देख लीजिए कितने कितने विद्यार्थी क्यू से भाग लिए हैं यहां से इक्यासी हर एक बच्चा ध्यान दे इक्यासी सौ यहां से अंठानवे में पंचानवे सौ निन्यानवे में सतासी सौ आए हैं क्यों क्यू से इक्यासी सौ पंचानवे सौ सतासी सौ ये विद्यार्थी आए हैं कि नहीं भाग लिए परीक्षा में संतानवे सौ सन दो हजार में भाग लिए हैं क्यू से और आठ हजार नौ सौ पचास विद्यार्थी भाग लिए हैं कहां से बताइएगा आपके दो हजार एक में क्यू कॉलेज से ठीक है एवरेज चाहिए इसी का औसत औसत चाहिए हर एक बच्चा देखेगा औसत कैसे निकलेगा सबको जोड़ेंगे इक्यासी सौ पंचानवे सौ सतासी सौ संतानवे सौ फिर आठ हजार नौ सौ पचास में क्या पांच होगा मेरे बच्चों ऊपर पूरा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा चौवालीस नौ सौ पचास बटा में हो गया पांच कितना आएगा ये आठ हजार नौ सौ नब्बे ये आपका एवरेज आ गया औसतन इन पांचों वर्षों में क्यू से आठ हजार नौ सौ नब्बे विद्यार्थियों ने भाग लिया है हाँ जय वर्मा एकदम सही कह रहे सबको ऐड करके पांच से डिवाइड जब मैं कराता आप लोग को सीजीएल के लिए यही सेम क्वेश्चन है तो सीएचएसएल का ये सवाल सीजीएल वाले या सीएचएसएल या यूपीएसआई के लिए कराता एवरेज निकालने का आपको एक और तरीका है जूमड एवरेज वाला भी बताया है हमने खैर पीटी वाले ना अप्लाई करें उसको क्योंकि समय बहुत है ना आपके एग्जाम में तो कोई शॉर्ट टेक्निक की जरूरत नहीं है आराम से स्वतंत्र होकर करिए विदाउट टेंशन आपका आंसर मिलेगा आपको अंकित सत्यम सत्यम नवीन अभी मोटिवेशन सत्यम, चौरसिया, बहुत बढ़िया अनुराग विपिन अभिषेक बहुत अच्छे हर्षित चलिए बहुत अच्छे गुड 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 सैलेश पाल बहुत अच्छे आइए अगले सवाल पे सत्रह नंबर का सवाल है हमारा हर एक बच्चा देखेगा निर्देश यहां भी वैसा ही है प्रश्न एक से चार तक के लिए निर्देश है देखिए निम्नलिखित तालिका में विभिन्न फसलों फसलों का 2015 से 2019 तक उत्पादन टन में दिया गया है तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें देखिए 2015 में चावल 415 टन का प्रोडक्शन हुआ है चावल का गेहूं का 2500 टन का प्रोडक्शन हुआ है गन्ना का एक हजार टन का प्रोडक्शन हुआ है जौ का नौ सौ पचहत्तर टन का प्रोडक्शन हुआ है और मक्का चार सौ नब्बे टन का प्रोडक्शन हुआ है यह भी सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है हर एक बच्चा ध्यान देगा सभी लोग जिम्मेदारी से हो गया बच्चों, सॉरी बच्चों सीएचएसएल नहीं सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है दो हजार उन्नीस बीस का यह आया हुआ आपका क्वेश्चन है हर एक बच्चा देखेगा देखिएगा जौ के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन में अंतर चाहिए टनों में सभी वर्षों का लेना है ये जौ है और ये चावल है हर एक बच्चा देखे इसका एवरेज निकाल लीजिए इसका एवरेज निकाल लीजिए और फिर ले लीजिए सीधे सीधे अंतर बच्चों एवरेज निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा ऐड करेंगे तो कितना आएगा सत्ताईस पैतालीस आ रहा है हर एक बच्चा ऐड करके देखे और अगर इसको जो को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा या आ रहा है उनतालीस सौ तो। आगे बच्चों एक बार ऐड करके देखिए अब औसत का अंतर लेना है अंतर ध्यान से देखिए मेरे बच्चों इसका औसत आएगा उनतालीस सौ तो में पांच और इसका औसत आएगा सत्ताईस सौ पैंतालीस बटा में क्या पांच आप इसको घटाइए पहले पांच से भाग मत दीजिए उनतालीस सौ में से सत्ताईस सौ पैंतालीस घटाएंगे तो कितना आएगा ग्यारह पचपन आ रहा है हर एक बच्चा देखेगा और बटा में हो जाएगा पांच अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइएगा दो सौ इकतीस यही है औसतों का अंतर जौ और चावल का हमने औसत उत्पादन लिया है औसत कैसे निकलता है पता है ना सभी वर्षों का चावल का उत्पादन जोड़कर सभी वर्षों की संख्या यानी कि पांच ही वर्ष है उससे भाग कर दीजिए वैसे ही जौ में भी काम आपको करना है ले लिया योग ले लिया पांच से भाग करेंगे औसत आएगा अंतर इसी का चाहिए उनतालीस सौ तो बटा पांच माइनस सौ पैंतालीस तो बटा पांच पहले घटाकर पांच से भाग दीजिए आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा देखिए काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है डी अंकित एडी चौरसिया नवीन आचल ठाकुर शुभम अभी मोटिवेशन सिंह विवेक एड चौरसिया सोमनाथ तिवारी चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड सौरभ धर्म यादव हर्षित अग्रवाल चलिए सर मैथ की क्लास ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन ऑफलाइन है सात बजे से दस बजे तक पीटी के लिए तेरह अगस्त से सिविल लाइन ब्रांच पे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है थोड़ा एक बार वो जानकारी हमने इसके पहले आकर दी है उसको सुन लीजिएगा ध्यान से आप लोग ठीक है शुभम गुप्ता शॉर्टकट ओरल बताएंगे तो हमारे जो पीटी वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे समझ में आया चंचल समझिए आइए वो शॉर्टकट के कैलकुलेशन यूज करने जैसे कि मैंने आपको आ, एज, सब बताया है कि आप कैसे अज्यूम करके करेंगे या अप्रोक्सीमेशन से कैसे करेंगे या एवरेज लेने का शॉर्टकट जो बताया है वो सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं वो सिखा चुका हूं मैं सीजीएल और यूपीएसआई वालों को आइए देखिएगा दूसरे नंबर का सवाल है हर एक बच्चा देखेगा वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 15 की तुलना में 19 में मक्का मक्का यानी कि मक्का के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई यहां से देखिए चार से कितना हो गया है आठ तो बच्चों अंतर कितने का बताइएगा 300 आपका 350 का आ रहा है समझ में क्लियर सारे बच्चों को साथ साथ देखिए 840 से आप 500 घटाइए ना चार सौ नब्बे क्यों घटा रहे हैं पांच घटाइए तो आएगा 340 आप 10 ज्यादा घटा लिए 10 और जोड़ दीजिए 350 हो गया तो वृद्धि प्रतिशत चाहिए वृद्धि प्रतिशत तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा 350 की वृद्धि हुई है कितने पे हुई है चार सौ नब्बे पे गुड़े सौ कितना आएगा यार इकहत्तर दशमलव चार दो के लमसम आ रहा है हल करके देखिए तो आंसर यही इकहत्तर दशमलव चार तीन प्रतिशत देंगे आ गया समझ में इकहत्तर दशमलव चार तीन प्रतिशत क्लियर है आ रहा है सबको समझ में देखिए आंसर दिया है काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया इसका सी आंसर दिया जा रहा है वेरी गुड शुभम द्वारा सुशील शु, द्वारा आदेश द्वारा वेरी गुड सौरभ सिंह अमित आचल पंकज रॉक्स मानव ठाकुर बहुत बढ़िया जय वर्मा वेरी गुड हर्षित सबसे पहले आपने किया था गुड वेरी गुड पंकज चौधरी का प्रश्न क्या सर ऑनलाइन बैच जो अभी चल रहा है ये रोज चलेगा कि नहीं हाँ डेली चलेगा डेली रेगुलर चलेगा कोई बात नहीं प्रियंका राजपूत कोई बात नहीं बाद में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा लक्ष्मी उपाध्याय सुशील नवीन फलेश वसीम अहमद पंकज रवि माँ का लाडला सी पंकज चलिए पंकज बहुत बढ़िया गुड काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है ऐसे ही सवाल आपके पीटी में आएंगे इसी लेवल के सी जी एल दो में ये सब आए हुए सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब ऐसे ही सवाल आपके पीटी में भी आएंगे देखिएगा गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष में दर्ज की गई तो गन्ने की बात करनी है ध्यान से देखिएगा 2019 में बात करें सबसे अधिक वृद्धि हुई है तो इसका पिछला वर्ष क्या होगा 2018 होगा तो ध्यान से देखिएगा 2019 की बात करें तो उसमें गन्ने का जो उत्पादन है चौदह है और इसके गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष में गन्ने का उत्पादन क्या है तेरह पच्चीस है तो वृद्धि तो हुई है तो वृद्धि देखा जाए ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं ऑप्शन अगर ए की मैं बात करूं तो अगर वृद्धि देखा जाए वृद्धि प्रतिशत तो देखिएगा कितने की वृद्धि है 1450 सौ पचास माइनस तेरह और बटा में क्या 1325 पे ही तो वृद्धि होगी और गुड़े सौ ध्यान से देखिए तो घटने के बाद ये कितना आ रहा है मेरे बच्चों ये आएगा एक बटा में 1325 और गुड़े सौ अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो कितने परसेंट या रहा है नाइन पॉइंट फोर थ्री परसेंट की ग्रोथ हो रही है अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं 2017 की बात कर रहा है तो 2017 की बात कर रहा है तो इसका गत वर्ष क्या होगा गत वर्ष क्या होगा आपका 2016 होगा तो 2017 में उत्पादन 1250 है गन्ने का 2017 में गन्ने का उत्पादन 1250 टन है तो 2016 में कितना है 1120 तो वृद्धि यहां भी हुई है तो वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं ध्यान से देखिएगा कितने की वृद्धि तेरह बारह सौ पचास में से आप ग्यारह सौ बीस घटाएंगे और में क्या ये वृद्धि जो हुई है आपकी जो भी वृद्धि दिखाई दे रही है वो किस पर होगी ग्यारह सौ बीस पर ही होगी ना तो नीचे लिखेंगे ग्यारह सौ बीस और गुड़े सौ कितना आ गया ये ग्यारह दशमलव सॉरी अभी पूरा लिख देते हैं आंकड़ा ये घटाने पे कितना आया है 130 सौ तीस बटा में ग्यारह सौ बीस गुड़े सौ यह कितना आएगा ग्यारह दशमलव जीरो परसेंट यह आ गया तो 2017 वाले में 2019 से भी ज्यादा वृद्धि है दिखाई दे रहा है अब आइएगा अब दिखाते हैं हम आपको ऑप्शन सी की अगर बात कर लें तो 2016, 2016 की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिए मेरे बच्चों ये है तो 2016 की अगर बात की जाए तो सामने दिखाई दे रहा फिगर आपको देखिएगा ध्यान से तो 2016 में जो गन्ने का उत्पादन है वो 1120 है तो इसका गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर क्या होगा 2015 तो उसमें उत्पादन क्या है एक हजार है तो वृद्धि प्रतिशत चाहिए वृद्धि प्रतिशत तो 1120 अब हो गया है 2016 में और इसमें से एक हजार घटेगा और ये जो वृद्धि है वो किस पर कैलकुलेट होगी एक हजार पर गुड़े सौ तो कितना आ गया ये एक सौ बीस बटा में एक हजार गुड़े, सौ कितना आ रहा है ये आ गया सही है तो सोलह वाले में वृद्धि तो अपने पिछले वर्ष से और ज्यादा दिखाई दे रही है इन दोनों से भी ज्यादा दिखाई दे गई है यानी कि 2019, 2017 वाले से भी ज्यादा वृद्धि 2016 में है अपने पिछले वर्ष की तुलना में देखिएगा तो डी की बात कर ले डी वाला ऑप्शन 2018 है तो 2018 यही है 2019 ये है तो वृद्धि प्रतिशत तो मेरे बच्चों देखिए 2018 में कितना है तेरह सौ पच्चीस है और 2017 में कितना था भाई गत वर्ष 2018 का गत, गत वर्ष यानी कि पिछला वर्ष क्या होगा 2017 होगा तो कितना था बारह सौ पचास और बटा में क्या बारह सौ पचास और गुड़े घटाएंगे मेरे बच्चों कितना आएगा यह आ गया आपका 75 फाइव और बाई बारह और गुड़े 100 कितना आ रहा है 6 प्रतिशत अब सुनिए सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें दिखाई दे रही है 2016 में अपने गत वर्ष से कंपेयर अगर किया जाए यानी कि 2015 से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो दिख रही है सी में दिख रही है यानी कि 2016 में दिख रही है तो इस तरीके का कंपेयर हमने एक एक निकाल के परसेंटेज में चेक कर लिया और आंसर दे दिया आप इसको एलिमिनेट करके भी आराम से कर सकते थे अगर थोड़ा परसेंटेज का ज्ञान है अगर मैं उन्नीस की बात करूं तो ये एक बटा में तेरह आता अंतर क्या आता है एक बटा तेरह मतलब इसका जो परसेंटेज फिगर होता भाई तेरह आपका नीचे होता तो 1325 का जो 10 परसेंट होता है ध्यान से सुनिएगा वो कितना होता तेरह दशमलव

तो डायरेक्ट ये 12 परसेंट आता डायरेक्ट ये कितना आता 12 परसेंट आता ध्यान से देखिएगा ये कम से कम 12 परसेंट नहीं आता आपका 10 परसेंट कितना हुआ है 112 हुआ है अगर इसका 12 परसेंट लेना है तो 2 परसेंट और ऐड करेंगे यानी कि ग्यारह दूना बाईस बाईस दशमलव चार जीरो और ऐड होगा तो भी बच्चों एक का फिगर आपका नहीं एक सौ फिगर से, से ज्यादा हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए यह निश्चित रूप से बारह से कम आएगा ये डायरेक्ट 12 तो परसेंट आ रहा है भाई एक सौ बीस की तो आपको वृद्धि दिखानी एक ही हजार पे तो ये 12 परसेंट आ जाएगा और ये अपने आप डायरेक्ट बहुत कम पचहत्तर तो नहीं करना है और ये आप बोलेंगे कि ये तो सबसे कम है डी वाला जो 2018 वाला जो वृद्धि है अपने गत वर्ष से सबसे कम है तो आपका ये भी कैंसिल हो गया ये दस से कम जा रहा है ये दस से थोड़ा ज्यादा है ये एग्जैक्ट पूरा बारह है तो देखकर भी आप आप अपने परसेंटेज वाले ज्ञान से आंसर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन केवल यही आंकड़ा घटा घटा के माइंड में भी सेट करके आप कर सकते हैं कि 2016 जो है अपने पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि शो कर रहा है इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं लेकिन पीटी में इतना समय है कि इस तरह से लगाया जा सकता है एस का सवाल है कभी भी इतना नहीं करना है एस के टाइप एस uh, एस के पेपर में देख के आंसर देना है कैसे देना है कंपेयर हो जा रहा है भाई देखिए 2019 वाला जो आपका ग्रोथ है चौदह सौ पचास है इसका गत वर्ष तेरह सौ पच्चीस है साफ दिखाई दे रहा है आप चौदह सौ पचास में से तेरह सौ पच्चीस और कम कर लीजिए तो एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस की वृद्धि हो रही है यहाँ पर दो हजार उन्नीस में किस पर तेरह सौ पच्चीस पे तो तेरह सौ पच्चीस का जो दस परसेंट होता है एक सौ बत्तीस होता है जबकि एक सौ पच्चीस का आपको प्रतिशत लेना है वृद्धि के लिए तो निश्चित रूप से

ही आएगा नॉर्मल घटा लीजिए 130, 130 मतलब मतलब तो कितना ज्यादा अठारह ज्यादा दिखाना है अठारह क्या दिखाना है ज्यादा दिखाना है तो ध्यान से सुनिएगा हम अगर इसका 1 तो एक परसेंट निकालते हैं तो ग्यारह दशमलव दो जीरो आता है मतलब इसका दो परसेंट निकालेंगे तो बाईस दशमलव चार जीरो आएगा तो निश्चित रूप से अट्ठारह ही ज्यादा करना था तो वो दो परसेंट से भी कम में आएगा तो जो इसकी वैल्यू आएगी बी वाले की अपने आप बारह परसेंट से कम आने वाली है वैल्यू सी वाले की वैल्यू साफ दिखाई दे रही है दो की अगर बात करें तो ग्यारह सौ बीस है ये एक हजार है वृद्धि एक सौ बीस की है ऐसे ही डायरेक्ट आपका बारह परसेंट हो गया तो सबसे ज्यादा वृद्धि यही है विदाउट यूजिंग पेन दिमाग शार्प करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं ये आपका तरीका होता है सीजीएल का पेट का तरीका नॉर्मल है समय चुकी आपके पास बहुत होता है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं चलिए सवाल सीजीएल का था इसलिए मैंने सीजीएल पैटर्न पे करा भी दिया है आइए चौथे नंबर के सवाल पे आते हैं चौथे नंबर के सवाल पे आइए तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसत उत्पादन टन में कितना है आप करिए आंसर चाहिए इसका मुझे आपसे आंसर चाहिए आंसर चाहिए फटाफट आंसर दीजिए इसका आंसर दीजिए देखिए जहां पर पेन का यूज ना करना हो वहां नहीं करना चाहिए लेकिन पेट का पेपर है और अभी आप बेसिक लेवल पे भी हैं। समय बहुत पर्याप्त है आराम से कर सकते हैं संतोष यादव सर हम बलिया जिले के हैं सर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं सर एक बार नाम ले लीजिए सर प्लीज सर हमारे गांव में पानी आ गया है हम रोड पर पढ़ाई कर रहे हैं, सर बैठकर संतोष यादव रोड से ही बच्चे आप अपने ऑफिस का सरकारी ऑफिस का सफर तय करेंगे शीघ्र ही आपको सफलता मिले ये आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी बच्चों के लिए केवल संतोष के लिए नहीं सबके लिए ऑफलाइन क्लास तेरह से आइए सात से दस मैथ की क्लास चलेगी और साढ़े दस से साढ़े बारह मॉक टेस्ट होगा पीटी का ब्रांच सिविल लाइंस पे और टेस्ट हर जगह किया जाएगा चारों सेंटर पे मेरे टेस्ट होगा फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी बच्चों के लिए कोई भी बच्चा आ सकता है सुशील राय ने छत्तीस आंसर दिया है काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है रंजीत शर्मा ने यह आंसर दिया है ये सबको जोड़कर पांच से डिवाइड करना है एकदम सही कहना जय वर्मा क्या बात है सैलेश धर्मेंद्र आंचल सुशील पंकज सलेश, ब्रिजेश बहुत बढ़िया चलिए औदेश सिंह विवेक ये हाँ YouTube की क्लास चलती रहेगी आपकी अभिषेक सत्यम वेरी गुड सलेश, ऋतिक गुड बहुत बढ़िया सत्यम मिश्रा आइए कर लिया ना आप लोगों ने क्या करना था गेहूं का औसत उत्पादन गेहूं का है भाई ये है ना गेहूं ये गेहूं है ध्यान से देखिए गेहूं है ये गेहूं है सबको करिए ऐड ऐड करेंगे तो कितना होगा 18000 मेरे बच्चों आ रहा है ऐड करने पर डिवाइड किससे लगाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच वर्ष है तो पांच से भाग करेंगे कितना आ जाएगा छत्तीस ये है औसत औसत उत्पादन किसका गेहूं का गेहूं का औसत उत्पादन है क्लियर है सारे बच्चों को आइए अब इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग काफी सारे बच्चों ने प्रिंस सिंह ने भी आंसर कर दिया है अट्ठारह नंबर का प्रश्न आपके सामने है हर एक बच्चा देखेगा प्रेसी नहीं आएगा प्रेसी राइटिंग नहीं आएगी पैसेज आएगा और अनसीन पैसेज आंसर छाटना रहेगा प्रेसी राइटिंग नहीं आएगी चलिए ध्यान से देखिए निर्देश है प्रश्न एक से पांच तक नीचे दी गई तालिका चार कंपनियां ए बी सी और डी द्वारा छह वर्षों में कारों की बिक्री हजारों में दर्शाती तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें ये देखिए चार कंपनी ए बी सी और डी है अलग अलग आपके कितने वर्ष हैं दो, दो दो चार दो छह छह वर्ष हैं 2013 से लेकर 2018 तक था। इनमें इन अलग अलग कंपनीज द्वारा कारों की बिक्री को दर्शाया गया है इस टेबल के माध्यम से जैसे दो में कंपनी ए पैतालीस हजार कारो को बेचती है कंपनी बी तिरसठ हजार कारों को बेचती है कंपनी सी पैंसठ हजार कारो को बेचती है कंपनी डी सड़सठ हजार कारों को बेचती है और इसी प्रकार 2014 से लेकर दो हजार और भी फिगर आपका आगे दिया गया है आइए चलिए ध्यान से देखिएगा हर एक बच्चा देखे आपको उत्तर देना है पहले प्रश्न का मैं नहीं दूंगा आप ही देंगे उत्तर ध्यान से देखिएगा कंपनी ए द्वारा 2017 में और सब लोग होड़ मचाइए आंसर देने के लिए कोई किसी से पीछे ना रहे कंपटीशन है अगर आज आप यहाँ सबसे पहले आंसर नहीं दे पा रहे हैं इसका मतलब कंपटीशन में एग्जाम में भी आप पीछे हो जाएंगे इसलिए कोशिश करिए कि ये भी एक एक परीक्षा ही है है आपकी प्रैक्टिस हो रहा है। तो आप इसको निश्चित रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए और हंड्रेड आंसर दीजिए आइए देखिए कंपनी इस बार मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर सबसे आए भले मैं सबका नाम ले लू या ना ले पाऊ आपको आंसर सबको देना है कंपनी ए द्वारा 2017 में और सी द्वारा 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या सभी चार कंपनियों द्वारा 2013 और 2016 में बेची गई कारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है इसका आंसर चाहिए मुझे याद आईटीपी आपकी यहां कोचिंग अच्छा ठीक है आपके यहां पढ़ के वीडियो में सिलेक्टेड हुआ था चलिए कांग्रेचुलेशन भाई आपका सिलेक्शन हुआ बहुत बहुत बधाई हो आपको कांग्रेचुलेशन नीलू चौहान ये सी तो अभी नहीं आएगा ना आंसर आंसर दीजिए मैं साइड में हट जा रहा हूँ सभी बच्चे आंसर दीजिए फटाफट मैं साइड में हट गया हूँ हर एक बच्चा देखेगा आंसर चाहिए इसका मुझे पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से साइड में हट गया हूं जल्दी से आंसर दीजिए देखिये सबसे पहले कौन आंसर देता है मुझे देखना है सबसे पहले कौन आंसर देता है चल जल्दी से पच्चीस दशमलव आंसर दिया गया शैलेश पाल द्वारा लग रहा है कैलकुलेटर का प्रयोग कर लिए क्या चलिए और सैलेश के बाद और कौन है भाई जल्दी आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए पच्चीस दशमलव छह रवि प्रताप सिंह आंसर दिए हैं अभिषेक पच्चीस दशमलव छह सिंह विवेक पेट में मेरिट बनेगी या नहीं अभी सब पता चलेगा आपको एग्जाम देने के बाद सिंह विवेक सी आंसर दे रहे हैं सी यानी कि पच्चीस दशमलव छेश पाल काफी सारे पच्चीस दशमलव छह आंसर दे रहे हैं चलिए फटाफट शिवेंद्र प्रताप यादव सी आंसर दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा चलिए काफी कम बच्चों का भी आंसर आया है मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को देखिएगा ए द्वारा और सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या निकाल लेते हैं ए और सी मेरे बच्चों ए ने 2017 में कितनी कारें बेची हैं बावन हजार कारें बेची हैं ध्यान से देखिए हजार में नहीं है क्या कारें बावन कारें ही बेची है हाँ? ठीक है देखते हैं एक मिनट हाँ हजार में है ठीक है बावन हजार कारें बेची हैं तो केवल बावन लिखिए और सी द्वारा 2013 में कितनी कारें बेची गई हैं पैंसठ हजार कारें बेची गई तो इन दोनों कंपनियों ने कुल मिलाकर कितनी कारें बेची पांच दो सात और छह पांच ग्यारह एक सौ सत्रह हजार कारे बेची गई हैं ए और सी द्वारा सभी चार कंपनियों द्वारा चार कंपनियां एबीसीडी है दो हजार तेरह और 2016 में बेची गई कारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत चार कंपनियां यानी कि बच्चों ए बी सी और डी देखिए, ए ने 2013, सॉरी, देखिए, A B C D ने यहां पर 2013 में 45, 65, 65 और 65 कारें बेची हैं। इनको ऐड करेंगे, 45, 65, 65 और 65। ये सभी कारें उठाई जाएंगी, क्योंकि चारों कंपनियों का 2013 का पूरा कार उठाना है। और 2016 का भी बच्चों क्या करना है? पूरा पूरा कार उठाना है तो ये भी इसी में आके ऐड होगा तो प्लस बहत्तर अंठावन सत्तर और तिरसठ सब ऐड करेंगे तो ए बी सी डी ए बी सी डी कंपनियों द्वारा 2013 और 2016 में बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी हो गई बताइएगा जोड़कर बोलिए कितना आ रहा है या आ गया 500 तीन आ गया हर एक बच्चा देखेगा पांच सौ तीन तो बच्चों बस हमको यही बताना है कि यह हमारा 170, 503 का कितना तो चारों कंपनियों द्वारा दो हजार तेरह का भी लेना है और दो हजार सोलह के भी कार सारे सारे उठा ले हैं सबको जोड़ेंगे पांच सौ तीन चारों कंपनियों की और एसी द्वारा एक सौ सत्रह कार्य पहले हम ले चुके हैं दो हजार सत्रह और दो हजार तेरह वाले तो हमें पता यही करना है कि 117 503 का कितना प्रतिशत है यही बताना है तो मेरे बच्चों कितना आ रहा है तेईस दशमलव दो छह प्रतिशत हर एक बच्चा देखेगा तेईस दशमलव दो आंसर बनेगा तेईस दशमलव तीन प्रतिशत किसी का आंसर आया नहीं ठीक है ए आंसर अच्छा अब आंसर एकदम सही आया सुशील राय ने आंसर दिया है जय वर्मा ने आंसर दिया है आज दारी नेटवर्क 503 ले रहा है सर ठीक है पंकज मुंडा ने आंसर करा है विपिन सी वाले तो बच्चे गलत है सुशील आंसर सही किए थे 25.6 वाले गलत है कहीं हो गया होगा आपसे ह्यूमन एरर सर अंग्रेजी के कौन कौन से टीचर अगर कोई इंग्लिश लिखने की क्लास ग्रामर बहुत गलत करता हूँ सी के सीजीएल का छात्र ऑफलाइन क्लास करिए डीके सर से काफी कुछ सीखेंगे सुशील सर से ये काफी कुछ बेसिक से आप लोगों को सिखाएंगे और एक अच्छा लेवल आप गेन करेंगे ठीक है आइए लिखना पढ़ना सब कुछ सीखना है तो बच्चे आप जुड़िए डीके सर से और सुशील सर से अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखिए हम लोग की ये ड्यूटी है चाहे मैथ्स के टीचर हम लोग हों चाहे इंग्लिश के टीचर डीके सर या सुशील सर या शिवम सर हों आप हम लोग की ड्यूटी है कि आप लोगों को एक एक चीज सिखाई जाए हाँ बशर्ते आप अपनी समस्याएं हम तक लाए हम आपके लिए उचित उपाय करेंगे सारी चीजें सिखाएंगे चलिए पहले के बाद दूसरे नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या हर एक बच्चा देखेगा 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2014 से 2018 के दौरान ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से कितनी अधिक है तो देखिएगा सी द्वारा कारों की बेची गई कुल संख्या सी ने 2018 में कितनी कारें बेची हैं भाई सी ने 76 सिक्स कारें बेची हैं और 2014 से 2018 के दौरान ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या ए की औसत बिक्री औसत बिक्री यही आप 2014 से 2018 तक की बिक्री का योग लीजिए तो एक आई है ना तो बावन इकसठ बहत्तर बावन तिरसठ और बटा में क्या पांच कितना आ जाएगा आ रहा है मेरे बच्चों साठ हर एक बच्चा देखेगा तो सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या सेवेंटी सिक्स है और एक की औसत बिक्री कितनी है साठ है तो ये कितना अधिक है बताइएगा सोलह अधिक है अधिकता कितनी हो गई ध्यान से देखिएगा अधिकता सीधे छिहत्तर में से साठ घटेगा एवरेज से सोलह अधिक है सोलह का मतलब सोलह हजार सोलह का मतलब सोलह हजार हर एक बच्चा देखेगा बी क्यों नहीं होगा सर अच्छा पिछले सवाल में बच्चे कह रहे हैं बी क्यों नहीं होगा बी किसका बी दशमलव तीन बी क्यों नहीं होगा मतलब इसी सवाल की बात कर रहे हैं क्या टेस्ट आपका तेरह तारीख को साढ़े दस बजे है सिविल लाइन सेंटर पे फ्री है सबके लिए शीट भी मिलेगी ओ एम पे टेस्ट होगा ओ पे टेस्ट होगा जितने बच्चे आना चाहें आ सकते हैं सबके मैं सबका टेस्ट, सब टेस्ट कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं कोई शुल्क नहीं केवल फ्री फ्री टेस्ट होगा सोलह हजार ठीक 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 सही है चलिए आ जाइए दूसरा भी हो गया सोलह आंसर, आंसर चलिए अब तीसरे का आंसर भी आप देंगे आपके सामने सवाल आ चुका है दो हजार सत्रह में द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का 2018 में सभी चार कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से अनुपात क्या है ए बी डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या का 2017 में तो ए प्लस बी प्लस लिखिए डी और फिर चारों कंपनियां हो जाएंगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये कब है 2017 का है और ये कब का है 2018 का है आइए उठाते हैं ए प्लस बी प्लस डी टेबल 2017 का उठाइए मेरे बच्चों यानी कि इसका इस समय का आंकड़ा लेना है ए यानी कि बावन बी यानी कि तिरपन और डी यानी कि पचहत्तर इतनी कारें बिकी हैं और नीचे सही है बच्चों और देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दो हजार का सबका उठा ले कितना होगा तिरसठ सड़सठ छिहत्तर और चौहत्तर कितना आ रहा है ऊपर जोड़ने पर ऊपर आ गया एक सौ अस्सी और नीचे दो आ गया मेरे बच्चों कटेगा ये तो नौ और चौदह नौ बटा चौदह यानी कि नाइन इज टू फोर्टीन ये रेशियो सब ये सीजीएल के पूछे हुए सवाल हैं हाल ही के उन्नीस बीस के पूछे हुए सवाल हैं ऐसे ही सवाल पीटी में भी पूछे जाएंगे ठीक है ऑनलाइन भी हाँ टेस्ट पेपर आपका जाएगा प्रैक्टिस बैच तो चल ही रहा है ऑनलाइन आइए काफी सारे अभिषेक शैलेश सत्यम शरद सुशील लाल बहादुर रवि प्रताप काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया प्रजापति सत्यम शुक्ला आशु सिंह रूम डूब गया बाबू हमें बहुत दुख है लेकिन दो चार दिन की बात है सब सही हो जाएगा परेशान एकदम मत होइएगा सर हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं थैंक यू भाई थैंक यू आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं देखिए एक बार और बताना है कौन सी बड़ी बात है इसमें देखिएगा ए बी डी ये तीन कंपनियों में 2017 में कितनी कारें बेची भाई बावन तिरपन पचहत्तर दो में बावन तिरपन और पचहत्तर कारें बेची ले ने दो हजार चौहत्तर जोड़ दिया उसको ऊपर आया एक 100C, नीचे आया दो सौ अस्सी का रेशियो लेना है नौ और चौदह का रेशियो आ गया यही आपका आंसर है जौनपुर से क्या करेंगे शैलेश पाल हम समझ नहीं पाए ऑफलाइन में मैं आप पढ़ाएंगे हाँ आइए यहाँ पांच टीचर हैं ज्ञानी सब बैठे हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए पांचवा सवाल है इसका आंसर दीजिए और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ठीक है ये आज का हमारा आखिरी सवाल आगे भी है क्या हाँ ये पीपीटी भी हमारी समाप्त हो गई लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा देखिएगा दो हजार और दो के दौरान कंपनी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2013, 2015, 2017, 2017 और 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है कौन सी कंपनी है भाई ऊपर वाली पंद्रह सत्रह अठारह के दौरान कंपनी कौन सी कंपनी है करेक्शन है यहां पर करेक्शन है जरा चेक करिए सोर्स तो क्या लिखा है हा? बी कंपनी है ना देखिएगा यहां करेक्शन है कंपनी बी द्वारा बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2013, 15, 17 और 18 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है इसका आंसर देंगे आप कल कल लाइन ग्राफ अलग से पढ़ा देंगे पीटी के लिए हम कल आपका ग्राफ भी लेकर आएंगे पीटी के लिए कल हम आप लोग को पहले पाई चार्ट पढ़ाएंगे पाई पे मैक्सिमम प्रैक्टिस कल होगी ये भी चलेगा टेबुलेशन भी कर चलेगा पाई पे भी प्रैक्टिस हम करवाएंगे आप लोगों को बिजनौर से हूँ वसीम अहमद बहुत बढ़िया ऑफलाइन में आप प्रैक्टिस कराएंगे हाँ इशरार अहमद आइए मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ठीक है इंद्रजीत बिंद कहना सिविल लाइन्स में कोचिंग कहाँ है आप सुभाष चौराहे आ जाइएगा वहीं से आप पूछिएगा मान्यवर का एक शोरूम होगा वहीं पर एक पेट्रोल पंप होगा एक बड़ी सी बिल्डिंग है आपकी पांच मंजिला उसी में है कोचिंग बेसमेंट में आपका बेसमेंट नहीं ग्राउंड फ्लोर पे आपका ऑफिस है और थर्ड फ्लोर पे सारी क्लासेस चलती हैं चलिए नागेश नागेश पटेल धन्यवाद भाई आपका हर्षित अग्रवाल प्रतापगढ़ से हैं बहुत बढ़िया इसका आंसर दे दीजिए फटाफट दिया है क्या कुछ बच्चों ने शैलेश पाल अच्छा वो पिछले का आंसर है ना इसका आंसर दीजिए फटाफट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है देखिए सबसे पहले आंसर कौन देता है शैलेश पाल जौनपुर से बहुत बढ़िया आंसर दीजिए महा महादेव का लाडला ए आ गया तैतीस सही एक तीन सही है महादेव का लाडला वेल well डन बहुत बहुत बधाई हो आपके आंसर सही तुम्हारा है शरद कुमार राय गाजीपुर से है भाई बहुत बढ़िया महादेव का लाडला ए अजय प्रजापति पचास परसेंट गलत है राजन यादव जयपुर से हैं बहुत बढ़िया चलिए सर बी दिया मैंने पहले ही हर्षित अग्रवाल बी दिए हैं नहीं है हर्षित बेटा तैतीस सही एक बेटा तीन परसेंट आंसर सही है जितेंद्र कुमार आप नेपाल से हैं ठीक है बहुत बढ़िया नेपाल से हैं बहुत बढ़िया ठीक है नेपाल बॉर्डर से होंगे नेपाल से थोड़ी होंगे राहुल श्रीवास्तव तो स्पीड कह रहे हैं अच्छा वो भी लाइव है सभी बच्चे लाइक शेयर करें लाइक शेयर नहीं आंसर दे दीजिए पहले उसके बाद जाते जाते लाइक शेयर कर दीजिएगा चलिए सर की बात जरूर सुनिएगा शशि प्रकाश ने आंसर दिया सैलेश ने आंसर दिया नागेंद्र ने आंसर दिया ने आंसर जी के मस्ती ने आंसर किया शशि प्रकाश ने आंसर कर दिया रंजीत शर्मा ने आंसर करा करा सत्यम शुक्ला प्रियंका राजपूत शिवम मधेशिया पेट के सिलेबस में कुछ नहीं बचा है अशफाक सर ने भी पेट पढ़ाया अभी फिर एवरेज पढ़ा रहे हैं एक सर और थे सुबह वाले बैच में वहां भी पेट का सिलेबस खत्म हुआ डीआई हम पढ़ा ही रहे हैं आपको एक बार फिर से कुछ बचा नहीं है पेट में। ठीक है धन्यवाद भाई आप लोगों का जो भी मेरी तारीफ कर रहे हैं मैं फूला नहीं समा रहा सवार मैं बहुत खुश हो गया चलिए आइए देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं 2015, 2017 और 2018 के दौरान कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या उठाते हैं पंद्रह सत्रह अठारह पंद्रह सत्रह और अठारह कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या साठ फिर तिरपन और क्या है सड़सठ यही है देख लीजिएगा पंद्रह में साठ सत्रह में तिरपन अठारह में कितना है सड़सठ जोड़ेंगे कितना होगा वन एट्टी एक सौ अस्सी कारें बिकी हैं फिर उसके बाद बोला गया है सी द्वारा इन वर्षों में बेची गई कारों की कुल संख्या तो सी 2013 में सी कितना बेच रहा है पैसठ कारें बेच रहा है 2015 में सी कितना बेच रहा है 66 कारें बेच रहा है 2017 में सी कितनी कारें बेच रहा है तिरसठ कारें बेच रहा है और कंपनी सी ने कितना बेचा है 2018 में 76 सिक्स छिहत्तर बेचा है तो कुल कितना कारें इन्होंने बेच दिया कंपनी ने सीनी 270 दो सौ सत्तर कारें अब पूछा गया है कि बताइए कारों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है बी वाला बी वाला कितना प्रतिशत कम है आंसर देंगे प्रतिशत कमी का प्रतिशत कमी बताइए भाई कितना कम है नब्बे कम है ना कितना कम है नब्बे कम है किस से दो सौ सत्तर से और गुड़े सौ तो एक बटा में तीन तो कितना आया तैतीस सही एक बटा ये आपका आंसर नब्बे ही तो कम है ये आपका आंसर है काफी सारे बच्चों ने आंसर किया वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है प्रियंका थैंक यू सुशील जी के मस्ती सिंह विवेक गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड ध्यान देना है देखिए आंकड़ों का सही तरीके से अध्ययन कर लिया तो समझिए कि सत्तर परसेंट क्वेश्चन सॉल्व तो धैर्य के साथ इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है सब सवाल कराना लेकिन फिर भी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप ही से करवा रहा हूँ कि आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कल मैं फिर आऊंगा चार बजे आप लोगों से ही क्वेश्चन लगवाऊंगा टेबुलेशन के और रात में मैं ग्राफ के क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है बच्चों तो मिलते हैं हम लोग याद रखिएगा तेरह तारीख से सात से दस ऑफलाइन मैथ की क्लास चलेगी पीटी के लिए फिर तो उसके बाद साढ़े दस से साढ़े बारह मॉक टेस्ट होगा ऑफलाइन मॉडल में शीट भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं देना आपको ओएमआर पे टेस्ट होगा एग्जामिनेशन ऑल पूरा मेंटेन करके इन्विजिलेटर वगैरह सब आएंगे साइन करने के लिए मतलब पूरा एग्जामिनेशन का माहौल आपको दिया जाएगा उसका रिजल्ट भी आएगा मशीन से चेक करके और उसके पंद्रह मिनट बाद पूरा सॉल्यूशन भी कराया जाएगा ऑफलाइन मॉडल में क्लासरूम में ही ठीक है तो मैं मिलूंगा हां मैं तो हूं भाई मैं यहीं हूं मैं मिलूंगा आपसे जो भी बच्चा आए मिले ठीक है चलिए मिलूंगा बच्चों मैं आप लोगों से अब कल मिलूंगा ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अब आराम करिए पढ़ना और पढ़ाई करिए लेकिन जिम्मेदार बने रहिए टारगेट हमेशा आपका क्या हो पीटी इधर उधर मत देखिए केवल पीटी को टारगेट करके उसको फाइनल कर दीजिए थैंक यू ओके